सरसों से जुड़ी बड़ी खबरें। रैपसीड और सरसों के उत्पादन में बंपर बढ़ोतरी की उम्मीद। उद्योग के अधिकारियों ने कहा कि बुआई क्षेत्र में बढ़ोतरी और प्रमुख उत्पादक राज्यों में मौसम अनुकूल रहने के चलते देश में रैपसीड और सरसों का उत्पादन 2024 में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने की संभावना। रैपसीड और सरसों के अधिक उत्पादन से पाम तेल, सोया तेल और सूरजमुखी तेल के आयात में कटौती करने में मिलेगी मदद। वहीं देश खाद्य तेल की कीमतों को नियंत्रित करने में भी मिलेगी मदद। इस वर्ष सरसों की फसल का रिकॉर्ड उत्पादन लगभग 14 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान, जो पिछले साल के 12.64 मिलियन टन के उत्पादन को पार कर जाएगा। कृषि मंत्रालय के अनुसार रबी सीजन में रैपसीड और सरसों का क्षेत्रफल एक साल पहले की तुलना में लगभग 5% बढ़कर 10 मिलियन हेक्टेयर हो गया। वहीं भारत ने 2022-23 में 115 लाख टन रैपसीड का उत्पादन किया और चालू वर्ष में उत्पादन 3 लाख से 5 लाख टन तक बढ़ सकता है। सरसों की बंपर फसल 14 मिलियन टन होने के अनुमान के बीच किसान निराश, क्योंकि कीमतें एमएसपी से नीचे गिर गई हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में मंडी दरें कम हो गई हैं। बढ़े हुए रकबे और बाजार में आवक के बावजूद किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ता है, जबकि व्यापारी सस्ते खाद्य तेलों के आयात और पिछले साल के उत्पादन में देरी को कीमतों में गिरावट का कारण मान रहे हैं। रूप से उत्तर प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, झारखंड, असम, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्रों जैसे राज्यों में रकबे में उल्लेखनीय वृद्धि ने उत्पादन में वृद्धि में योगदान दिया है। देशभर की मंडियों में 18 से 25 फरवरी के बीच 1 लाख टन सरसों की आवक हुई, जिसमें राजस्थान सबसे बड़ा योगदान करता रहा। हालांकि औसत मंडी कीमतें एमएसपी के नीचे रहीं। राजस्थान में 4820 रुपये प्रति क्विंटल तो मध्य प्रदेश में 4520 रुपये प्रति क्विंटल तो गुजरात में 4858 रुपये प्रति क्विंटल के बीच भाव देखने को मिले। किसानों का घाटा और एमएसपी आश्वासन के चलते कृषि मंत्री ने एमएसपी पर खरीद के आश्वासन के बावजूद किसानों को सरसों बेचते समय 1200 प्रति क्विंटल का घाटा उठाना पड़ रहा है। नौकरशाहों द्वारा इन आश्वासनों के कार्यान्वयन को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार रबी मार्केटिंग सीजन 2023-24 में सरसों की सरकारी खरीद कीमत पिछली बार की तुलना में 200 रुपये बढ़ाई गई, जिसके बाद एमएसपी दर 5650 रुपये प्रति क्विंटल हो गई। 2022-23 सीजन में सरसों का एमएसपी रेट 5450 रुपये प्रति क्विंटल था, जबकि उससे पहले 2021-22 रबी मार्केटिंग सीजन में सरसों का एमएसपी 5050 रुपये प्रति क्विंटल था। व्यापारियों और प्रोसेसरों ने संकेत दिए कि पिछले साल के उत्पादन का 15-20% किसानों ने बेहतर कीमतों की प्रत्याशा में रोक लिया था। वे कम कीमतों का श्रेय दूसरे देशों से सस्ते खाद्य तेलों के अनियंत्रित आयात को दे रहे। सरकार को सरसों के एमएसपी को ध्यान में रखते हुए सरसों के तेल की दरों के आधार पर खाद्य तेलों पर आयात शुल्क तय करने के सुझाव इंडस्ट्री की तरफ से दिए जा रहे हैं।